हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिस। बेसिस के तो हम बात करेंगे ही करेंगे। एक बार हम ऐसे ट्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप थोड़ा ना ध्यान से सुनना और लर्न भी कर लेना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अभी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं। ये निकलती कहाँ से हैं? फैक्ट्रीज में से, व्हीकल्स में से, और ऑटोमोबाइल एक्सोस्ट में से, और कहाँ से निकलती है? यस, पावर हाउसेस में से। अभी वहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाएंगी? एयर में, ठीक है। अभी एयर में आ गया, अभी तो हमें कुछ इफेक्ट नहीं कर सकती है। अभी एयर में अपना कंपाउंड बना लेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड अपना कंपाउंड बना लेगी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। देखो अपना कंपाउंड बना लिया इसने, तो ये बन गया है अब सल्फ्यूरिक एसिड, बन गया ना, ठीक है। अब देखो, अब भी जो ये जब अभी तो ये एयर में, अभी हमें सल्फ्यूरिक एसिड अभी एयर में है, अभी हमें कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पर जब आती है बारिश, ठीक है, जब बारिश आएगी, अभी एयर में है, अभी निकल के आ जाएंगे मॉन्यूमेंट्स पे, प्लांट्स पे, और हमारे ऊपर भी, ह्यूमन बींग्स पे भी ये इफेक्ट कर सकते हैं, स्किन इफेक्ट। प्लांट्स को ड्राई कर सकते हैं, और मॉन्यूमेंट्स का भी देखते हैं हम एग्जांपल। हम मॉन्यूमेंट्स के हम दो एग्जांपल लेते हैं, ताजमहल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब ताजमहल जब बनाया गया था उसका वाइट कलर था, पर एसिड रेन उसको बार बार इफेक्ट करती गई तो उसका कलर येलो हो गया। इसलिए ही ताजमहल के आसपास जो फैक्ट्रीज थी ना, उनको बंद कर दिया गया। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी में तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ गया। देखो इसका पहले जब बनाया था वो ब्राउन कलर का था, और अब देखिए उसका तो ग्रीन कलर का है, ग्रीन है ना, कितना इफेक्ट पड़ा है इस पर। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, बेसिस। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था बेसिस होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, मतलब बेसिस उन सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं जो कड़वे होते हैं और जिनका स्लिपरी फील होती है। और वह स्लिपरी फील और वह कड़वे किसके कारण होते हैं? बेस के कारण, ठीक है। अब हम एक बात और पढ़ लेते हैं, बेसिस सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। जब बेसिस होते हैं ना, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर और सॉल्ट बनाने के लिए। देखो अब बेस का एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय रिएक्शन। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर, है ना, बन गया ना। अब ये बेस है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्कलीज की। अल्कलीज क्या होती है? कुछ बेसिस होते हैं ना, वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कलीज। इसके बारे में हम डिटेल में बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम इसके सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे दोनों सोल्यूबल हैं वाटर में, और भी होते हैं, यानी कि बस दो ही हैं, और भी हैं, ठीक है। पर अब देखो, ये नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस नहीं है, पर वो बेस तो है, ये बेस भी साथ साथ है, पर अल्कली भी साथ साथ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है पर अल्कली भी है, यानी कि सारे बेसिस अल्कली हैं। कुछ बेसिस होते हैं जो अल्कली हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो नहीं है सोल्यूबल में वाटर, तो वो अल्कली ही नहीं है, वो सिर्फ बेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते, जैसे हमने एसिड ने भी पढ़ा था, हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी हम इसकी सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। वीक बेसिस के एग्जांपल हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब आप सोच रहे होगे, जो ये हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो सारे अल्कलीज लग रहे हैं, और जो वीक बेसिस लग रहे हैं सारे बस बेसिस लग रहे हैं, अल्कलीज नहीं हैं, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और भी होते हैं। ये एग्जाम्पल ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है ना, ये भी अल्कली हैं, पर इसके एग्जांपल और भी होते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो अल्कली हैं,
और जो सारी अल्कली हैं वो सारी स्ट्रोंग हैं, नहीं कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं, दे हेल्प टू इंडिकेट वेदर इट इज़ इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम एसिड को, ऐसे हमने पढ़ा अभी, एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं है ना, जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं और उनकी सोपी फील होती है, स्लिपरी फील होती है ना। पर हम उनको टेस्ट तो नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम टेस्ट करके देखें ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम इंडिकेटर्स हैं, हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं बताने में कि ये एसिड है इसके अंदर या फिर बेस है, ठीक है। अब दो टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर्स, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, टर्मरिक और चाइना रोज का जूस, और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है, फिनोप्थिलीन, इसमें एल साइलेंट है, ये वाला फिनोप्थिलीन, ठीक है। एक एग्जांपल हो रहा है लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन प्लांट। अब ये आप मेरे को बताइए नेचुरल है सिंथेटिक, सोचिए सोचिए। यस ये नेचुरल है क्योंकि लाइकन प्लांट से लिया गया है, ठीक है। अभी दो टाइप के होते हैं लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। अब ये नहीं कि लिटमस लाइकन प्लांट से पेपर ही निकालो, नहीं, अब जो लिटमस सॉल्यूशन है ना उसमें पेपर की स्ट्रिप को डिप कर देते हैं तो वो लिटमस पेपर बन जाता है, और जो लिटमस पेपर है ना वो ब्लू और रेड कलर में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। थोड़ा भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखो हम पहले ना, ये कोई एसिड है, अब एसिड आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको लिटमस की पेपर की स्ट्रिप मिल जाती है। अभी ऐसी की जगह आप ले सकते हो नींबू, लेमन ले सकते हो, अगर आप लेमन का जूस डाल दिया, अगर आप ब्लू स्ट्रिप लोगे ना तो वो रेड हो जाएगी। इसका मीनिंग है ए प्लस बी बाय रिएक्शन आर, मतलब एसिड प्लस ब्लू स्ट्रिप बाय रिएक्शन रेड स्ट्रिप, ठीक है। और अब बेसिक में देखते हैं, अब बेसिक में अगर बेस यहाँ पे हम ले लेते हैं शैम्पू ले लेते हैं, ठीक है, शैम्पू, शैम्पू भी बेस है, अगर शैम्पू के अंदर हम वही ब्लू स्ट्रिप डालते हैं ना तो वो उसका कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू की ब्लू ही रहेगी, ठीक है। तो ब्लू स्ट्रिप विल बी रिमेनिंग द सेम। अब हम अगला पढ़ते हैं, अब हम ले लेते हैं रेड स्ट्रिप, रेड, अब हमने ब्लू स्ट्रिप ली थी तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा ए प्लस बी आर, ठीक है, एसिड प्लस ब्लू स्ट्रिप बाय रिएक्शन आर। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है चूँकि तो इसको उल्टा ही होएगा, इसको लर्न कर लीजिए ए प्लस बी बाय रिएक्शन आर। इसका फिर भी हम देख लेते हैं, अब हम रेड स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। अब एसिड में ये तो सेम ही रहेगी, चूँकि ऊपर चेंज हो रही थी यहाँ पे उल्टा होएगा, यहाँ पे चेंज नहीं होएगी, ठीक है। और बेस में ही चेंज हो जाएगी, रेड से ये ब्लू में हो जाएगी, ठीक है। सो बी प्लस आर बाय रिएक्शन बी, मतलब बेस प्लस रेड स्ट्रिप ब्लू स्ट्रिप, ठीक है, बेस प्लस रेड स्ट्रिप ब्लू स्ट्रिप, ओके। एग्जांपल भी लर्न कर लीजिए, अब सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है फिनोप्थिलीन, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है टर्मरिक और चाइना रोज का जूस, जूस ऑफ चाइना रोज, और आप अल्कलीज के एग्जांपल भी देख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल भी देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेसिस के एग्जांपल भी देख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन मेरे को लगता है दे पाओगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है, यहाँ से कुछ नहीं है पीछे का रहा है। ए प्लस डैश बाय रिएक्शन बी, सोचिए सोचिए। ओ शिट, यहाँ पे रेड आया, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हियर इट इज आर नॉट बी। गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्कली, गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। चलो एल्कली के एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एन ए ओ एच एंड K
के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आगे क्या होगा, एसिड में अगर हम ब्लू स्ट्रिप को डालेंगे तो वो आएगी रेड स्ट्रिप, ठीक है। फिर नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल अभी हमने पढ़े थे टर्मरिक एंड टर्मरिक एंड जूस ऑफ चाइना रोज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।